नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। आज जून महीने की पहली तारीख है और जून महीने की शुरुआत में ही जनता को महंगाई का झटका लगा है। बता दें कि आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव हुआ है। देहरादून में मंगलवार तक पेट्रोल 95 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, लेकिन अब पेट्रोल के दामों में 6 पैसे तो डीजल में 3 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है, जिसके बाद अब देहरादून में इंडियन ऑयल का पेट्रोल 95 रुपये 28 पैसे और डीजल 90 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल 95 रुपये 44 पैसे और डीजल 90 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। साथ ही HP का पेट्रोल 95 रुपये 26 पैसे तो वहीं डीजल 90 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। आपको बता दें कि 21 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्कों के कटौती की थी, जिसमें आम जनता को काफ़ी राहत मिली थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर करीब 8 रुपये तो डीजल में 7 रुपये की कटौती की थी। इसके बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पेट्रोल 8 रुपये 51 पैसे तो डीजल 7 रुपये 8 पैसे सस्ता हो गया था। वहीं 21 मई के बाद 1 जून को देहरादून में पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ बढ़त दर्ज की गई है। आपको बता दें कि हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें सुबह 6 बजे तय होती हैं। इसके बाद तेल की नई दरें लागू होती हैं। इसमें एक्साइज ड्यूटी, डीजल कमीशन और अन्य टैक्सेस जोड़ने के बाद दाम तय किए जाते हैं। तो आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में भले ही थोड़ी लेकिन बढ़त जरूर दर्ज की गई है। तो इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।